अपने बीच महाविहार के शुभ चिंतक डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस सभा में। आज का इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका के लिए कि आप समय निकाल के आए, आप आते रहते हैं हम लोग के लिए आशीर्वाद के लिए। और माननीय कुलपति महोदय और इस सभा में उपस्थित सारे महत्वपूर्ण हमारे शिक्षक बंधुगण, विद्यार्थीगण और उपस्थित पत्रकार बंधु सभी को मैं अमृत वर्ष का साधुवाद देता हूं। आज का दिन ये बहुत ही पावन दिन है, ये ऐतिहासिक दिवस है जब हम यहां उपस्थित हुए हैं। अमृत महोत्सव का जो सरकार का संकल्प है, मुझे लगा कि सरकार ने काफी सुविचारित तरीके से एक वर्ष तक इस कार्यक्रम के संचालन हेतु निर्णय लिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो स्वतंत्र भारत के साथ जो बात रही है वो रही है कि हम आजादी तो पा लिए लेकिन उसको अक्षुण कैसे रखें और हम प्रगति पथ पर कैसे आगे जाएं। कहीं कहीं कुछ कमियों का एक तरह से अवलोकन सरकार में बैठे लोग, देश के बुद्धिजीवी, राष्ट्रप्रेमी सभी लोगों ने किया और तभी लगता है कि सरकार की ओर से यह पहल हुई है कि इस कार्यक्रम को बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाए जिससे कि हम भारतीय लोग अपने राष्ट्र गौरव को पुनः प्राप्त करें। और ये राष्ट्र गौरव हम लोगों में से थोड़ा तो में अंदर ये के भाव हम लोगों में कम होते जा रहे हैं, खास करके युवा पीढ़ी में। कारण कई हैं और ये गवेषणा का विषय है और चिंता का विषय भी है। तो सरकार का ये पहल को भी मैं साधुवाद देता हूं कि सरकार ने एक पूरे वर्ष को एक तरह से इस कार्यक्रम के लिए एक तरह से किया है, समर्पित किया है। आजादी आजाद भारत में अगर हम देखें तो अगर प्रगति की बात करते हैं कि आज का भारत कहाँ है या कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है, तो सबसे पहले हम इतिहास के पन्नों में झांकते हैं क्योंकि आज जो कुछ भी है हम भूत की वजह से है। पीछे हुई घटनाओं से व्यक्ति का निर्माण होता है, परिस्थितियों से व्यक्ति निर्मित होता है। उसी तरह से राष्ट्र भी किसी व्यक्ति या राष्ट्र के पीछे का घटनाक्रम होता है, ऐतिहासिक घटनाक्रम होते हैं। तो हम गुलाम रहे हैं वर्षों से, जैसा कि राणा जी ने कहा गुलामी की तिथि तय करना मुश्किल है, लेकिन तकनीकी रूप से हमने महसूस किया कि 200 वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत वाली जो गुलामी हमें मिली वो पूर्ववर्ती गुलामी से भिन्न थी। वो इस महीने में बाहर से जो आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांता आए, अरब आए, तुर्क आए, अफगान आए, वो लोग यहाँ लूटपाट करके अधिकांश लोग यहाँ सेटल हो गए। तो वो जो कुछ भी था भारत में उन्होंने रखा, उसका उपयोग किया अलग तरीके से, लेकिन अंग्रेज जो यहाँ स्थापित हो गए उनकी नीयत निश्चित रूप से भारत को लूट का केंद्र बनाना रहा। भारत लूटता रहा, पीटता रहा, जो है एक तरह से प्रताड़ित होता रहा। भारत माता उनकी स्वतंत्रता में की झंझट की बेड़ियों में कराहती रही और तभी भारत के कई महानायक वीर सपूत उत्पन्न हुए कालक्रम से और उन्होंने उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचा दिया और इस तरह से हमें बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने आजादी की लड़ाइयां लड़ी है उनका चिंतन, उनकी समझ और उनके भाव, उनका मर्म अलग होगा बनिस्पत जो हमें, हम तो उनकी संतति हैं, हमने उन्हें आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं, देखा नहीं, सुना अवश्य है, पढ़ते हैं, लेकिन वो भाव जगाने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी है, उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है और हम विस्मृत होते जा रहे हैं उन चीजों को। अपने ही भारत माता की बात जो है कि भारत कहां तक प्रगति किया है उसमें वो परिस्थितियां, जैसे औपनिवेशिक काल में जो ब्रिटिश ने जो पॉलिसी लागू की थी वो औपनिवेशिक पॉलिसी, वो बहुत हद तक उसका प्रभाव आज भी दृष्टिगोचर होता है। उससे मुक्ति कैसे हो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये हमारे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा चिंतन का विषय है कि हम शुद्ध रूप से भारतीय पुनः कैसे बने, डीकोलोनाइज कैसे करें, अपने को गैर उपनिवेशीकरण कैसे करें, ये हमारे सामने राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए जैसे अब अंग्रेजों की पॉलिसी रही डिवाइड एंड रूल,
जैसे जैसे राष्ट्रीयता की भावना एक तरह से जोर पकड़ने लगी, उसमें मजबूती आने लगी, अंग्रेजों ने उसे और एक तरह से संप्रदायवाद को उसको संरक्षण दे करके उसको काउंटर करता रहा। हम जोड़ने की कोशिश करते रहे, हमारे नेता जोड़ने की कोशिश करते रहे, महात्मा गांधी, तिलक और लाल बाल पाल, न जाने अनगिनत लोग जोड़ने की कोशिश करते रहे और अंग्रेज तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते रहे। उसका खामियाजा ये हुआ कि जब हम आजाद हुए तो मुझे भारत टुकड़ों में मिला और उस समय की चुनौतियां इतनी एक तरह से भीषण हो गई, क्योंकि हमारे करोड़ लोग एक तरह से अव्यवस्था उत्पन्न कर दिए। यहां से मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से यहां जा रहे हैं, हिंसा, पूरा समाज हिंसक हो गया। और तो ये बहुत बड़ी समस्या स्वतंत्र भारत को मिली। आजाद होकर के भी भारत समझिए लहूलुहान, न खुशी की स्थिति में था, न गम मनाने की स्थिति में था। उसकी स्थिति बहुत, भारत की स्थितियां बहुत विषम थी। हमारे पास 600 देशी राज्य जो हुए थे, उनके भी राजा नवाब जो थे उनके, वो सब उनकी भी स्थितियां कुछ अलग थी। कई जो भारत से जुड़ना चाहते थे, पर बहुत कई लोग थे जो भारत से बिल्कुल जुड़ना नहीं चाहते हैं। जूनागढ़ आप जानते हैं, हैदराबाद के निजाम को जानते हैं। कई ऐसे देशी राज्य थे जो भारत में व्यतिक्रम उत्पन्न करते रहे और बहुत मशक्कत पड़ी भारत को एक सूत्र में बंधने में। तो ये चुनौतियां भी उनसे प्राप्त हुई। हम लोग को एक तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उनसे प्राप्त हुआ, पुलिस मैनुअल हम लोग को प्राप्त हुआ, इंडियन सिविल सर्विस, कलेक्टर सिस्टम, रेवेन्यू का सिस्टम, सारा जो सब हमको प्राप्त हुआ। और उसी से अभी भी हम एक तरह से गाइड हो रहे हैं। शिक्षा का तंत्र जिसका आज हम जो विश्वविद्यालय का स्वरूप आप देख रहे हैं भारत में, आधुनिक विश्वविद्यालय, उसके शिक्षा का स्वरूप का गठन भी एक तरह से उसी से प्रभावित है। मिताली ने जिस शिक्षा नीति को लागू किया था उसका स्पष्ट प्रभाव आज भी बहुत सफलतापूर्वक देखा जा सकता है। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि उससे मुक्ति का मार्ग हम निकालें कैसे, कैसे हम उससे मुक्त हो जाएं, क्योंकि हमारा सोचने का जो मॉडल है वो बचपन से पढ़ते पढ़ते उसी दिशा में जाता है। तो आप कितनी भी नई बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, फिर उन्हीं मॉडल के अनुसार सोचते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इस विश्वविद्यालय में लागू करना चाहते हैं, तो उसमें केवल उसका एक तरह से न्यूमेरिकल कोई एक्सरसाइज नहीं है, वो उसमें बहुत खुलापन है, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी बातें हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं शिक्षा के मर्ज पर। ये भी हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका में ये सिस्टम बहुत पहले से लागू है, तो अधिकांश शिक्षा में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं फिर उन्हीं देशों से ला रहे हैं। तो क्या है, बहुत चीजों को जो भारतीय परिवेश में कॉन्टेक्चुअलाइज करने का है, उसको रूट आउट, जो उसको प्रूव करना है, उन चीजों में हमारी बहुत सारी ये एक तरह से चुनौतियां हो रही हैं। और शिक्षा के संदर्भ में हमारे राणा जी ने कहा कि थोड़ा सा केंद्रित करेंगे, तो मुझे एक बात लगती है, पता नहीं ये बातें सबको किस तरह से महसूस होगी, लेकिन मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा देश के लिए प्राथमिकता नहीं बन पाई है। आज तक वो केंद्र सरकार या राज्य सरकारें हो, शिक्षा प्राथमिकता नहीं बनी है, क्योंकि 70 सालों में जैसे मैं महसूस करता हूं कि अगर सड़कें टूट जाती हो, पुल टूट जाते हो, या कोई डॉक्टर गलत इलाज कर देता हो, बहुत कुछ संभावना है उसको रिपेयर कर लेने का। लेकिन अगर कोई राष्ट्र निर्माता, हम शिक्षक लोग, अगर हमसे गलतियां हो जाती हैं तो पूरा जनरेशन लॉस्ट हो जाता है, उसको सुधारना शायद संभव नहीं हो पाता है। तो शिक्षा पूरे राष्ट्र निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका शिक्षा की होती है, अगर सरकार का बजट देखें और चीजों को देखेंगे, प्राथमिकता देखेंगे, तो लगता है कहीं कहीं पूर्णतया सरकार को मैं दोष नहीं दे सकता, उसमें हम सभी लोग अपने को सम्मिलित करते हैं, शिक्षा को हमने प्राथमिकता में नहीं डाला, रिसर्च को प्राथमिकता में नहीं डाला। और इसका खामियाजा भी हम देख रहे हैं कि भारत की प्रगति जिस अपेक्षा के साथ होनी चाहिए थी उस अपेक्षा के साथ नहीं है। आप प्रसंगवश बार बार ये बात आती है कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है उसे एक भी भारतीय विश्वविद्यालय गिने नहीं जाते हैं। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, ये विचारणीय प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि जो पैमाने गढ़े गए हैं वो केवल भारत के लिए उल्टे पड़ते हैं। दुनिया के अन्य देश, हमारे पड़ोसी चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये सबके विश्वविद्यालय उस पैरामीटर पर आ जाते हैं। इसका मतलब है पैमाने में कोई गलती ढूंढना मेरे ख्याल से अपनी कमियों को छिपाने जैसा है। कुछ
परिवर्तन हो सकते हैं निश्चित रूप से पैमाने में, लेकिन जब एशिया के अन्य देश के कई विश्वविद्यालय उसमें आते हैं तो हम आखिर क्यों नहीं आते हैं? ये हमारे सामने गंभीर समस्या है। मुझे लगता है कि हमारी पूरी शिक्षण व्यवस्था जो है एक कॉपी पेस्ट जैसी स्थितियों से गुजर रही है। कोई पूरे समाज से बच्चे पढ़ने पे आते हैं विश्वविद्यालय में, कोई इतिहास पढ़ता है, कोई भूगोल पढ़ता है, जो उनकी इच्छा होती है पढ़ते हैं। हम प्राध्यापक लोग कोर्स का निर्माण करते हैं, बैठ करके यहाँ से कोर्स का निर्माण करते हैं। बच्चे समाज से आते हैं पढ़ने के लिए, वो जॉब सीकर्स होते हैं। आप नौकरियों की तलाश में देखिए बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या उनकी नौकरियों के लिए क्यों दृष्टिकोण में रखते हम क्या उनका शिक्षण करते हैं? सभी लोग बहुत बड़े रिसर्चर राष्ट्रभक्ति की भावना लेकर के नहीं आते हैं, तो क्या हम उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यहाँ बैठते हैं? उनका क्या एम्प्लॉयमेंट का मार्ग क्या निकलेगा? क्योंकि भारत के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और अगर शिक्षा में अगर देखें तो हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे हैं पूरा हिंदुस्तान लगता है डॉक्टर इंजीनियर, बस ये दो सेंट्रल फोकस है। शायद नेहरू जी ने कभी इंजीनियर के लिए बात कही थी कि हमें इतने इतने इंजीनियर चाहिए, लेकिन वो नारे में हम आगे बढ़ते चले गए। आप देखिए भारत में अगर बेरोजगारी जो बहुत बड़ी समस्या है भारत की, बहुत विस्फोटक स्थिति में पहुंचने वाली है, अभी भी विस्फोटक स्थिति में है, और वो पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी हमारे एक तरह से तार तार वो अव्यवस्था करी है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या। और उसका अगर कोई समाधान है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। अगर भारतीय कृषि को आधुनिक न बनाया गया, वहां एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं तलाशे गए, वहां अब भरपूर संभावनाएं हैं। लेकिन देखिए कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय कितने हैं, पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर पढ़ के बेकार हो रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हमारे पास नहीं है। अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोले जाए, उनमें बच्चों का किया जाए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लेकर के, तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का बहुत हद तक निदान हो सकता है। मुझे हैरत होती है कि ये क्यों नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में एक तरह से क्रांतिकारी। देखिए छोटा सा इजराइल जो देश है उसे भारत को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने जो पैमाना तय किया है वो मेरे ख्याल से मानदंड पूरे हिन्दुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से सबक, या फिर दुनिया के लिए भी है। हमारे पास जो कृषि के लिए जो भूमि है, हमारे पास जो जल संसाधन है, वो सब कुछ अनुकूल है। भारत का माहौल भी अनुकूल है, शायद चिंतन में कहीं कहीं प्लानिंग के स्तर पर कहीं कहीं कमियां रह जा रही हैं, ये बिल्कुल विचार का बिंदु है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत कई क्षेत्र में डिजिटल इंडिया में डिजिटल क्षेत्र में भारत ने असाधारण प्रगति की है। न्यूक्लियर स्पेस साइंस में भारत ने असाधारण प्रगति की है। दुनिया के हम तमाम देशों से हम कम्पीट कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी भारत बढ़ता जा रहा है, पर आबादी हमारे पीछे थोड़ा सा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आती है। तो उसमें प्रगति उस तरह से नहीं हो रही है, आर्थिक प्रगति, जैसे दुनिया का अन्य देश है। जैसे सिंगापुर बहुत छोटा देश है, वो अभी आपका 45 से लेकर के 1950 से लेकर के 2016 तक उसने 30 गुना प्रगति की है, अपना GDP उसका 30 गुना बढ़ा है। जापान ने भी 20 गुना इस बीच में बढ़ाया है, चाइना ने भी 20 गुना अपना इनकम बढ़ाया है। भारत और चाइना की कहानी दोनों साथ शुरू होती है, वो 49 में रिपब्लिक होता है, हम 47 में आजाद होते हैं, तब हमारा $500 रहता है हमारा GDP, 2000 डॉलर रहता है उसका, $500 रहता है हमसे, 1/4 उसका रहता है, लेकिन आज वो हमसे दुगना प्रगति के स्तर पर दुगना है। उसकी जबरदस्त प्लानिंग वहां हुई है, जबरदस्त कमिटमेंट है। वहां की सर्वे भूमि गोपाल की वाली बात है, उस देश का पूरी संपत्ति यहाँ तक कि जमीनें सरकार की होती है, लेकिन जमीनें जो है कम्यून बना करके, एक एक छोटा छोटा समूह बना करके, उस लैंड होल्डिंग्स को विकसित करके, खेत को विकसित करके, प्लॉट को इंडिविजुअल को असाइन कर दिया है। इंडिविजुअल अपना काम करिए, टैक्स सरकार को दीजिए, बाकी जमीन आप जो दिए, आप मालिक नहीं है, उसको सेल नहीं कर सकते, लेकिन उसको उससे आप अपना काम कर सकते हैं। तो मेथोडिकल तरीके से बातें वहां पर कुछ हुई है। हमारे देश को भी बहुत कुछ है किया जाना बाकी है। हम कलकत्ता विश्वविद्यालय से बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती है जहां राष्ट्र चिंतन हो। विश्वविद्यालय इसी इन्हीं कार्यों के लिए है, रिसर्च और शोध के विषय भी हमारे अक्सर थोड़ा सा काल्पनिक हो जाते हैं और व्यवहारिक भी हो जाते हैं, वो जो परंपरा में चली आ रही है। अभी मैं सिलेबस का निर्माण में बात कर रहा था, शेक्सपियर से लेकर के ग्रीक और प्लेटो और अरिस्टोटल, सारा यूरोप का
के सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उनको पढ़ने की बातें थी। मैंने विभाग में कहा कि नहीं, हम कालिदास और जो हमारे भारतीय चिंतक हैं उनको डालें वहां पर, हम इसको अपना भारतीयकरण अवश्य करें हमारी चीजों का। हमारे पास बहुत बड़े बड़े चिंतक थे दुनिया में, हमने चिंतन के क्षेत्र में हमने दुनिया में जो योगदान दिया है वो यूरोप और आज तक वहां पहुंच नहीं पाया है। आपका टीएस एलियट हम जानते हैं, 20वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा कवि है, आलोचक है, और पूरी दुनिया उसको या पूरा यूरोप और अमेरिका दोनों ही उसकी श्रेष्ठता को स्वीकारता है, उसकी बातों पर अमल करता है, उसको खारिज नहीं कर सकता। उसने कहा था कि यूरोप के अगर चिंतकों को भारतीय प्राचीन भारतीय चिंतकों से तुलना करता है तो यूरोपीय तरह से चिंतकों को बहुत छोटा पाता है, बौना पाता है। उसकी जब ये बातें सिद्ध करती है कि हम महान रहे थे राष्ट्र के रूप में, हमारे यहाँ से जो चिंतन हुई वो पूरी दुनिया को प्रभावित की। अभी भी योगा और अध्यात्म में और क्लासिकल म्यूजिक और ये सीखे, इसमें हमारी श्रेष्ठता पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री और पूरा सिस्टम उसमें लगा हुआ है, बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। लेकिन फिर भी हम सभी व्यक्तियों के लिए राष्ट्र चिंतन के लिए वक्त निकालना चाहिए, और ये जो अमृत वर्ष की आजादी के लिए जो ये आयोजन हुआ, इसके लिए मैं कुलपति महोदय और सारे एक तरह से राणा जी हैं आप, जिन्होंने भी ये तय किया ये कार्यक्रम, ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। क्योंकि हम रस्म अदायगी तक करके 15 अगस्त का झंडोत्तोलन करने के बाद प्रसादी लेकर घर चले जाते हैं। आज निश्चित रूप से राष्ट्र चिंतन का दिवस है, बिल्कुल राष्ट्र चिंता होनी चाहिए। हम भारत के ये बहुत चिंतन का विषय है, ये बहुत अफसोस का विषय है कि एक जापानी एक चाइनीज की राष्ट्रभक्ति कभी अन्यथा नहीं ले हमसे ज्यादा उनमें दिखती है। एक एक व्यक्ति, जैसा कि मैंने एक प्रसंग में सर को कहा था कि एक भारतीय अध्यापक गए हुए थे जापान, सोनी कंपनी के अंदर जाकर के लोगों से पूछा कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, कंपनी के इनसाइड सबने सोनी बताया तो उन्हें हैरत हुई। जब कैफेटेरिया में निकले खाने के लिए, वहां पूछा कि आपका नाम क्या है, तो जो भी उनके नाम थे सब बताए। तो उनको कहा कि आप तो अंदर में कुछ बताया था। बोला जब हम कंपनी में काम करते हैं तो हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती है, हम कंपनी हो जाते हैं, जब राष्ट्र के लिए काम करते हैं तो राष्ट्र हो जाते हैं। व्यक्ति तो मैं बाहर में हो सकता हूँ, संस्था में नहीं हो सकता व्यक्ति। ऐसे समर्पण के साथ जहां कार्य होते हैं, ऐसी निष्ठा के साथ जहां कार्य होते हैं, वो निश्चित रूप से वो राष्ट्र श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा। कभी जगमोहन राजपूत जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे, सर ने एक बार यहाँ उनका आयोजन भी किया था व्याख्यान करते थे पांडे जी भिन्न, उन्होंने एक आलेख लिखा था, तो बहुत सुंदर आलेख, जो उन्होंने कहा था कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों की नैतिकता के स्तर से ऊंचा नहीं उठ सकता, वो बेंचमार्क शिक्षक ही है। अगर पैरामीटर कोई सेट करेंगे तो शिक्षक सेट करेंगे, और इसलिए शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है, बहुत उनकी जिम्मेदारियां होती है। और इस प्रसंग में अभी हाल में एक विषय, एक आपके जर्मनी के चांसलर ने निवेदन किया उनसे, सारे इंजीनियर डॉक्टर जर्मनी के चले गए चांसलर के पास आंदोलन बना करके कि आप उनके वेतन शिक्षकों के बराबर किए जाएं, डॉक्टर इंजीनियर के वेतन शिक्षकों के बराबर किए जाएं। और उन्होंने कहा, चांसलर ने कहा, लेडी चांसलर है वो एंजेला मार्केला, उन्होंने कहा कि जो आपके विश्वकर्मा है, कहने का भाव था, जो आपके निर्माता हैं, जो आपके अभिभावक हैं, जो आपको गढ़ते हैं, उनके बराबरी में मैं कैसे रख सकती हूँ आपको। इस उत्तर के बाद ही सारे लोग इंजीनियर डॉक्टर हड़ताल समाप्त कर दिया। उनको एक बात समझ में आ गई कि इनकी भूमिका बहुत होती है और इनसे किसी को तुलना नहीं की जा सकती है। जिस दिन अपने राष्ट्र अपने शिक्षकों को उनको महत्व देना शुरू करेगा, श्रेष्ठता को स्वीकारना शुरू करेगा, ये राष्ट्र का एटीट्यूड की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन इससे मतलब शिक्षक की जिम्मेदारियां कम नहीं होती है बल्कि और बढ़ जाती है। तो उस शिक्षक भी अपने जिम्मेदारियों के बोध से जिस समय सुबोध में आ जाएंगे, उस चिंतन में आ जाएंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो जाएंगे, भारत को आगे बढ़ने से, विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत एक बहुत अच्छे माहौल में अभी राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। आप देख रहे हैं जो एक हमारी जो हमें औपनिवेशिक काल से जो एक समस्या हमें मिली है, वो कॉमनलिज्म की जो संप्रदायवाद की जो समस्या मिली है, बहुत हद तक उसका संबंध हुआ है। अंग्रेजों ने तुष्टिकरण के तहत उनको एक तरह से जो ज्यादा संरक्षण दिया, उसके से करके बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। लेकिन सरकार ने, ऐसा नहीं है कि उनके प्रति कोई बैर भाव अपनाया है,
सरकार ने बहुत ही सम्यक दृष्टिकोण उनके साथ अपने अख्तियार किया है कि भैया आप उसी तरह से हैं जैसा कोई और है, जैसे सिख हैं उसी तरह से हिंदू हैं उसी तरह से मुस्लिम हैं, आप कोई खास नहीं है, औरों से अलग नहीं है, आपको विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है, अभी राष्ट्र निर्माण में आइए, आप जैसे सब हैं उसी तरह से हैं। इतनी भावना के साथ ही वो अपनी जगह पर आते दिख रहे हैं। कश्मीर की समस्या का बहुत हद तक समाधान दिख रहा है। पाकिस्तान और दूसरे राष्ट्र जो है कुछ जो कॉमनल हवा देते थे, जो गर्म हवा से मेरे देश का की फिजा बदल खराब कर चुके थे, अब देखते हैं समन की ओर है। ये हमारे भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह से हमारे प्रयास जारी रहे तो राष्ट्र एक दिन अपनी उपलब्धियों को जरूर प्राप्त करेगा। इसी के साथ मैं इस सभा में उपस्थित सारे प्रबुद्ध जनों को एक तरह से पुनः प्रणाम करता हूँ, अपनी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।